Here I am back again. Welcome back my friends. स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल देवर शेयर्स में। ऑलमोस्ट दो से ढाई हफ्ते का एक ब्रेक आ गया है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे को कुछ निजी कारणवश देहरादून जाना पड़ा, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, और जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ की वादियों में खो जाते हैं। मगर इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से हम कहीं ज़्यादा घूम नहीं पाए, बस गए और आए। और मजेदारी बात यह है कि ये पूरा जो डिस्टेंस है, देहरादून हमारे यहाँ नडियाद से ऑलमोस्ट 1260 किलोमीटर दूर है, तो मैं ड्राइविंग करके गया और ड्राइविंग करके वापस आया, तो एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि सर कहाँ गायब हो गए, अब आपका मन उठ गया क्या शेविंग से, या फिर आपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड किए। तो उनको मैं बता रहा हूँ कि यस, बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैंक। तो आज क्या करना है, तो आज मैं एक नए रेजर को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपके सामने। हजामत कंपनी का नाम आप जानते ही हैं। बहुत कम टाइम में इसने एक जो इंडियन वेट शेविंग कम्युनिटी में अपनी पॉपुलैरिटी बना ली है, तो इन्हीं का एक नया रेजर अभी मार्केट में आ गया है। इसका नाम है साइथी। तो कई लोग उसको पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है, हजामत स्काइथी, बट मुझे लगता है साइथ इज द राइट वर्ड। तो आज मैं एक इसका डेमो दूंगा, एक रिव्यू दूंगा, और सारे प्रोडक्ट आज मैं हजामत के ही यूज करूंगा। तो देर किस बात की, लेट मी इंट्रोड्यूस विद द प्रोडक्ट्स फर्स्ट। सो जी हां, ये जो है हजामत का नया रेजर पिछले हफ्ते या पिछले दो हफ्ते में लॉन्च हुआ है, और हाल ही में मैंने इसको एक्वायर किया। दो बार मैंने इससे शेव बनाई और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस हुआ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो है हजामत का प्रीमियम रेजर है। इससे पहले एक रेजर ऑलरेडी आ चुका था जो कि 300 सब 300 कैटेगरी का था, और उसने भी अच्छा एक्सपीरियंस दिया, बट क्योंकि इसके दाम ज्यादा हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि, और हमारी एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस वाइज, क्वालिटी फिनिश वाइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये है वो रेजर आप देख रहे हो, गन मेटल फिनिश इसमें पॉलिश की गई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, अगेन आई एम रिपीटिंग, द बेस्ट पार्ट इज दैट जो ये हैंडल है, ये स्टेनलेस स्टील का 304 क्वालिटी का, या 304 स्टेनलेस स्टील ग्रेड का स्टील है, जो कि टोटली कोरोजन फ्री होता है। इससे ऊपर फिर 316 नंबर का आता है, जिसको हम मरीन ग्रेड स्टील कहते हैं। तो ये 304 क्वालिटी का जो है स्टेनलेस स्टील है, और वेट बहुत ही अच्छा है इसका। इट इज अ लिटिल बिट वेटी रेजर, 94 ग्राम कंपनी का कहना है, और जो इसकी लेंथ है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इट इज नॉट मोर देन 3.75 इंचेस। तो मेरे को भारी रेजर पसंद है, बहुत भारी तो नहीं कहूंगा, इट्स नॉट हेफ्टी रेजर, बट यस, और इट इज अ लिटिल बिट हैवी। और उसी के साथ आप देख रहे हो उसमें यहां पे इन्होंने इंस्क्राइब किया है कंपनी का नाम हजामत, और ये क्लोज कोम रेजर है। आप इसके कोम्स को देख ही रहे हो, इफ यू कैन सी क्लियरली। और एज यूजुअल इट्स अ थ्री पीस रेजर, ओके, बेस सेफ्टी प्लेट, हेड एंड ऑफ कोर्स हैंडल। अब जल्दी से इसमें मैं ब्लेड लोड कर लेता हूं पहले। सो टुडे आई एम यूजिंग जिलेट 7 o'clock सुपर प्लेटिनम ब्लेड, इसका आज पहला यूज होगा। नाउ इफ यू सी आई हैव ऑलरेडी लोडेड द ब्लेड, और यहां पे प्रोमिनेंट दिख रहा है ओवरहैंग, तो यस ओवरहैंग है इसमें, बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर यस वन कैन इजीली फील इट, वन कैन इजीली सी इट। और आप देख सकते हो ब्लेड गैप, अगर आपको दिख रहा है तो ये माइल्ड से मीडियम एग्रेसिवनेस रखता है। अग्रेशन के मामले में इसको 3.5 दूंगा आउट ऑफ 10, और बहुत ही स्मूथ शेप निकालता है, और नर्लिंग जो है इसकी बहुत ही बारीक नर्लिंग है, आप देख सकते हो नर्लिंग बहुत ही बारीक है,
और फिसलने का सवाल ही नहीं होता। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रेजर, जो मैंने अभी लास्ट 3-4 दिन जब मैंने इसको यूज किया, मगर हाँ 3-4 दिन मतलब अभी आज मेरी आज जो दाढ़ी है वो 3 दिन पुरानी है। नॉर्मली इतनी पुरानी दाढ़ी मैं रखता ही नहीं हूँ, बट मैंने कहा चलो आज जब मैं आपको अपना शेविंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो कम से कम 3 दिन की मैं अपनी बियर्ड रखूंगा। तो जो द बेस्ट पार्ट है इसकी, जो क्वालिटी फिट फिनिश जो इस दाम में ये लोग दे रहे हैं वो गजब की है। अब दाम मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं लिंक दे दूंगा तो आपको अपने आप वहां से आप जाके इसको प्रोक्योर कर सकते हो, तो आपको दाम अपने बारे में पता लग जाएगा। बट यस, इट इज सब 1000 रुपीज रेजर, 1000 रुपए से कम का रेजर है ये। तो दिस इज 3.75 इंच लॉन्ग क्लोज्ड कोम हजामत साइथ रेजर। साइथ वर्ड, साइथ का मतलब होता है अ लॉन्ग टूल हैविंग अ कर्व्ड एज। तो जैसे होता है ना गांव में जो लोग यूज करते हैं वो फसल काटने के लिए हसिया बोलते हैं उसको, दराती भी बोलते हैं, तो साइथ का मतलब ये होता है। तो इसका रिलेशन मे बी बिकॉज ऑफ शार्प एच, तो मगर शार्प एच भी वो ब्लेड से आएगी। और नीचे से आप ऐसा देख सकते हैं, एक इन्होंने इस तरह का हैंडल के बेस में दिस इज अ काइंड ऑफ राउंड। तो हाथ में लेके एक प्रीमियम फिश का फिनिश का एहसास तो होता है। चलिए शुरू करते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज प्रीशेव ऑयल। अब ये जो प्रीशेव ऑयल है ये होममेड ही है, ऑयल ऑफ निरोली, निरोली का तेल है ये, मस्त इसकी स्मेल है। So as you can see, मैंने अच्छे से इस निरोली ऑयल को एज अ प्रीशेव ऑयल यूज किया आज, और आज मैं यूज करूंगा हजामत का ही शेविंग सोप। इसको कई बार मैंने पहले के वीडियो में इसको दिखाया है, इसको यूज किया है, तो आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है और आज का जो मेरा ब्रश वो भी हजामत का वुडन ब्रश। सो लेट मी कलेक्ट द सोप फर्स्ट। देखिए भारत में कुछ कंपनियां हैं जो अपनी देसी कंपनियां हैं, जो शुद्ध भारतीय कंपनियां हैं, जो अभी अभी नई नई जिन्होंने अपने आप को बाजार में लॉन्च किया है, उनकी एक चीज मैं देख रहा हूं, दे आर वेरी अग्रेसिव इन देयर अप्रोच, और बहुत कम टाइम में वो कस्टमर के दिलों में अपनी पैंट बनाना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट दे आर टेकिंग कस्टमर फीडबैक एक्सट्रीमली सीरियसली, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और यही वो जो रेजर आज मैं यूज करूंगा ये इसी फीडबैक का जो एक परिणाम है। तो चलिए लेट मी मेक लादा फर्स्ट। तो अभी देहरादून जाके आया, और यहाँ से और गुजरात से और उत्तराखंड में वेदर में काफी फर्क है, वहां पे शाम को अच्छी ठंड थी। बट एक चीज मैंने वहां भी नोट की और वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग को लोग बड़ा ही कैजुअली ले रहे हैं। बाजार सब खुल चुके हैं और लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो नाउ पीपल आर नॉट टेकिंग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग सिंसियरली। तो भैया आप ऐसा ना करें, अभी कोरोना हमारे यहाँ से गया नहीं है। अमिताभ बच्चन भी अब रिंगटोन में हमको बताने लगे हैं जब हम किसी को मोबाइल लगाते हैं कि जब तक इसकी कोई फाइनली वैक्सीन नहीं आ जाती, वी कांट और वी शुड नॉट टेक एनी चांसेस। तो देहरादून में गया था, वहां पे शेविंग मेरी ऐसी चलती थी, बट मैंने वीडियो नहीं बनाए, रीजन इज ओनली वन, आई वाज बिजी विद दैट। वहां पे हमारा जो पुश्तैनी घर है उसको मेंटेन करने में मैं बिजी था थोड़ा बहुत, और भी कुछ काम थे, उसमें इतने बिजी हो गए कि वीडियो छूट गए थे, बट शेविंग अपनी प्रॉपर चालू रहती थी।
और जब खाली समय मिलता था तो शेविंग से रिलेटेड कई चीजें मैंने जानी, ट्रिविया, पास्ट की नॉलेज, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इक्विपमेंट्स में, तो वो सब चीजें अब मैं शेयर करूंगा आपके साथ। बट आज क्योंकि जब मैं घर पहुंचा यहाँ पे वापस 4-5 दिन पहले, तो ये रेजर ऑलरेडी मुझे मिल चुका था। कई लोग अभी पूछते हैं प्री शेव ऑयल कंपलसरी है, तो बिल्कुल नहीं है। ये आपको एक स्मूथ पोस्ट शेविंग फीलिंग देता है और रेजर ग्लाइड में बहुत मदद करता है, बट बहुत थोड़ा सा लगाना चाहिए, ज्यादा में फिर वो आपको लादे बनाने में प्रॉब्लम करेगा। सो यू कैन सी फैंटास्टिक लादो, स्लिक लादो, बहुत ही बेहतरीन ये शेविंग सोप है हजामत वालों का। क्यूडोस टू देम एंड देयर टीम। मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में और भी वो नए कुछ शेविंग क्रीम या शेविंग सोप कुछ अलग फ्रेग्रेंस में भी लेके आएंगे। चलिए, सो दैट्स कंप्लीट माय लादर, साइड बर्न्स, क्लियर द रनवेज। हजामत साइथ क्लोज कॉम्ब रेजर लोडेड विथ जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम ब्लैक ब्लेड फर्स्ट यूज। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पास एज यूजुअल विथ द ग्रेन। नॉर्मली मैं बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक ले लेता हूँ, लंबे स्ट्रोक्स लेता हूँ, मगर आज मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स ले रहा हूँ कि मेरी बियर्ड आज काफी बड़ी है। बहुत ही आराम से मेरी स्टबल को साफ कर रहा है। बिल्कुल भी एग्रेसिव रेजर नहीं है ये। So let's see the result after the first pass. लाजवाब सोप की स्लिकनेस अभी भी बाकी है, मगर मेरी स्टबल 90% गायब हो चुकी है। पहले पास पे इतनी बेहतरीन
एक्सपीरियंस बहुत कम रेजर्स के साथ मिलता है। बट हाँ, एक चीज और भी है, क्योंकि जो स्टबल जो है आज बड़ी थी, तो जब आपकी स्टबल बड़ी होती है तो वो स्मूथनेस ज्यादा आती है, वो कट आपका एक दिन पुरानी में और दो या तीन दिन पुरानी का फर्क फर्स्ट पास में अलग आपको दिखता है। ये आप अपने शेविंग एक्सपीरियंस से जानते होंगे, या अगर नए नए हैं तो आपको आप जान जाओगे। चलिए, इसीलिए अच्छा शेविंग गियर, अच्छे शेविंग गियर का होना बहुत जरूरी है, वो आपके एक्सपीरियंस को चांद लगा देते हैं। इफ यू हैव वेरी गुड क्वालिटी रेजर, यू आर यूजिंग क्वालिटी प्रीमियम ब्लेड्स, गुड क्वालिटी शेविंग क्रीम और शेविंग सोप विद ब्रश, तो फिर जो है उस एक्सपीरियंस को आप रोज लेना चाहते हो, और ये आपको एक मोनोटोनस एक्टिविटी बिल्कुल नहीं लगता। और वेट शेविंग में ये सबसे बढ़िया बात है, आपको एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्लेड एक ही रेजर में यूज कर सकते हो। तो मैं अपनी बकबक बंद करके सेकंड पास, क्योंकि अब क्रॉस का ग्रेन होता है, उसको कंप्लीट करता हूं। सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन, ये मेरा फेवरेट स्ट्रोक है, यू करके ये स्कूप, ऑलमोस्ट लाइक अ स्कूप, तो मेरे को बड़ा मजा आता है इसमें ये करके, और पूरा का पूरा जो स्टबल, जो फेरल, जो छोटे छोटे बाल आपके बच जाते हैं वो भी निकल जाता है लाइक दिस। ये लिया तो पहला मेरा सेकंड पास जब मैं करता हूं ऐसे, और उसके बाद ये, दिस इज, नेक एरिया में मैं सेकंड पास में अगेंस्ट द ग्रेन ले रहा हूं, आप देख सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था कुछ कंपनियां जो हैं वो कस्टमर फीडबैक को बहुत सीरियसली ले रही हैं, एंड इट शोज द वे दे आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इन लेस टाइम, दे आस्क फीडबैक एंड दे आर टेकिंग द फीडबैक very very seriously. The result is that every time when you get new products you have very different kind of, you get the very different kind of experience, at the same time you get that premium feel of the products. To Hajamat ek aisi company hai, so kudos to you Mr. Nitin Tandon ji, aapko bahut bahut badhai, navratri ke aap sabhi ko bahut bahut shubhkamnaye, in fact subscribers ko bhi, dekhne walon ko bhi, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने प्रोडक्ट्स, ये एक ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। I can feel the slickness of the soap. BBS shave. It's ultra smooth. Perfect, marvelous shaving experience with this razor. बेहतरीन। सो पोस्ट शेव बाम हजामत कही,
अब सर्दियां थोड़ी थोड़ी आ गई हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम हल्का सा कोल्ड होता है, तो आई प्रेफर गोइंग फॉर बाम। सर्दियों में बाम लगाने का मजा कुछ और ही है। वेरी लाइट सटल बार्बर शॉप स्मेल। माशाल्लाह, एक्सेलेंट। सो ये था आज का हजामत साइथ रेजर का रिव्यू। प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी इसी कंपनी के यूज किए और पहले भी मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूं, तो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप में से कई लोगों ने इनको इस्तेमाल भी किया है, यू ऑलरेडी नो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी दे गिव यू। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडे इज ऑफकोर्स यस दिस इज इट्स अ ब्यूटिफुल रेजर। आप देखिए इसकी जो फिनिश है बहुत ही अच्छी है, और ये ऊपर से इन्होंने गन मेटल पॉलिश की है इसको। आई होप जो है पॉलिश की क्वालिटी अच्छी होगी। एंड जब हम इस तरह के गियर्स यूज करते हैं तो वी हैव टू बी ऑल्सो अ लिटिल बिट केयरफुल कि ये जब हम इनको कभी जैसे इसमें कभी कभी स्टबल फंस जाते हैं तो उसको हम कहीं स्ट्राइक ना करें। आप हल्का सा उसको लूज करके आप टैप वाटर में आप उसको धो सकते हो, तो गिरे ना हमारे हाथ से। वैसे गिरने का चांस नहीं है करते हुए क्योंकि इसकी नर्लिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बारीक नर्लिंग है। तो जब इसको हाथ में मैं यूज करता हूँ, आज मेरा तीसरा इस्तेमाल है, तो मेरे को लगता है कि एक प्रीमियम क्वालिटी का रेजर मैं यूज कर रहा हूँ। सो लाजवाब। सो अगेन थैंक्स अ लॉट ब्लैक पेपर मार्केटिंग हजामत टीम, थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग द इंडियन वेट शेविंग कस्टमर्स दिस ब्यूटिफुल जेम। सो मेरी रिकमेंडेशंस क्या है, मेरे रिव्यूज तो अगर मेरे से आपको 10 की रेटिंग में मैं इसको 8 से 8.5 नंबर आराम से दे दूंगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट प्रोवाइड्स वैल्यू फॉर मनी। तो स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी लाजवाब, और ऊपर ये जमैक का ही है जो है अलॉय है, और हाथ में फील बहुत अच्छी देता है। सो इट गिव्स मी दैट लग्जरी फीलिंग, यस आई कैन इजिली क्लेम दैट। सो आप ले सकते हैं, आप लेना चाहो तो बिल्कुल लीजिए इसको, इसको इस्तेमाल करिए और फिर अपने फीडबैक मेरे को दीजिए, कंपनी को दीजिए। अगर हम फीडबैक अच्छे नहीं देंगे या हम सिंसियरली नहीं देंगे तो ये कंपनियां कैसे नए प्रोडक्ट्स हमारे लिए लॉन्च करेंगी। सो आई रिकमेंड दैट यू मस्ट बाय इट और पुट इट इन योर शेविंग डेन। आपकी शेविंग डेन में ये रेजर तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है जो मेटल फिनिश में अगर मैं देखूं, गन मेटल फिनिश में मेरे पास ये शायद दूसरा रेजर है, और इंडियन रेजर्स में मैंने इस तरह के फिनिश वाले रेजर्स बिल्कुल नहीं देखे हैं, तो इट्स फैंटास्टिक। अभी बर्ड वालों ने एक रेजर लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने एक पॉलिश दी है, ब्लैक पॉलिश। उससे पहले हम रुबाब करके, उसमें भी आपने देखा था कि वो ब्रास का हैंडल था और उसके ऊपर हम ब्लैक पॉलिश की थी, मैट फिनिश की, मगर यहाँ पे ये ब्रास नहीं है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का स्टील है, कोरोजन टोटली फ्री, और इसके ऊपर इन्होंने जो है प्लेटिंग की है गन मेटल की, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। अब मेरी एक विशलिस्ट में एक रॉकवेल 6S करके भी है, उसकी प्लेटिंग मैंने काफ़ी कुछ मैंने देखी है यूट्यूब वगैरह में, तो हो सकता है शायद ये उससे सिमिलर हो। सो लेट्स सी वो कब आएगा, मगर फिलहाल तो मेरे को रॉकवेल वाले में से यही दे रहा है शायद। ओके सो यू कैन प्रोक्योर इट, नो डाउट अबाउट दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने पेरेंट्स का एज यूजुअल ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, सुबह बढ़िया शेव बनाते रहिए। मैं वापस आ गया हूँ, और हाँ बिना कहे चला गया था तो उसके लिए अगेन क्षमा प्रार्थी हूँ, जरूरी काम आ गया था, जल्दी से जाना पड़ा। तो ये जो गैप आया है उसमें जो मैंने क्या क्या किया, क्या क्या समझा शेविंग के बारे में, वो फिर मैं धीरे धीरे आपके साथ यू नो शेयर करूंगा। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ एंड जय हिंद।